एक सकलेंट स्पीसीज का प्लांट है जो कि एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट है और ये नेटिव है अरेबियन पेनिनसुला का। मगर विश्व में जहाँ भी आपको सेमी ट्रॉपिकल या फिर एरिड क्लाइमेट मिलेंगे वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसीलिए ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। नॉर्मली ये कल्टीवेट किया जाता है अपने एग्रीकल्चरल और मेडिसिनल यूसेज के लिए, मगर आजकल के दिनों में ये इंडोर पॉटेड प्लांट्स के रूप में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है क्योंकि ये डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये अपने एयर प्योरीफाइंग क्वालिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया है। ये जितने भी ऑर्गेनिक वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो हमारे इंडोर में होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं वो अपने रूट में एब्जॉर्व करता है और लीव्स में एब्जॉर्व करके अपने रूट में ले जाता है, उससे फूड बना के फिर ये उससे ग्रो करता है। तो ये बहुत अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स भी है और ये आजकल के डेट में बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे, जैसे कि स्किन लोशंस है, कॉस्मेटिक्स है, ऑइंटमेंट्स हुआ जो कि जलने के ऑइंटमेंट्स हुआ, चाहे फिर ये सनबर्न्स के ऑइंटमेंट्स हैं उसमें भी आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएंगे, जितने भी सोप्स हैं। तो ये बहुत यूज़ का पौधा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनामिका और आप देख रहे हैं मेरा गार्डनिंग से रिलेटेड चैनल, जहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी और ट्रायल एंड टेस्टेड टेक्निक्स बताती हूँ। और अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें इस एलोवेरा प्लांट की तो ये बहुत ही स्टेमलेस पौधा होता है और ये शॉर्ट स्टेम का पौधा होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत थिक और फ्लैक्सी होती हैं और इसकी पत्तियाँ ग्रीन या फिर ग्रे ग्रीन कलर्स में भी, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि कितने आप धूप और या फिर छांव में आप रख रहे हैं। इनकी पत्तियों में एक जेल होता है जिसमें कि बहुत क्वालिटी वाले फाइटोकेमिकल्स या फिर एंथ्राकिनोइंस पाए जाते हैं, सच एस एमओडी, जो कि बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड है जो कि बहुत सारे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यूज हुआ जाता है और इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ में लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है और उसके साथ साथ इस पौधे में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी हो जाती है। नॉर्मली ये जो पौधा होता है इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो होते हैं कांटे जैसे होते हैं, तो इनको बोला जाता है, इसकी एलोवेरा की टीथ बोला जाता है और ये वाइट छोटे छोटे टीथ इनके मार्जिन में आपको पाए जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता है। और ये जो पौधा होता है ये नॉर्मली विंटर में अपने डोरमेंसी पीरियड में चल जाता है और समर्स में इसमें एक फूल भी, समर में इसका फ्लावरिंग होता है जो कि बहुत लंबा, एक 90 सेंटीमीटर लगभग स्पाइक्स में होता है। इसका जो फूल होता है ये येलो या फिर ऑरेंज कलर में समर्स में ही पाया जाता है। ये जो एलोवेरा की स्पीसीज़ है ये नॉर्मली जो होती है वो सारे डिजीज़ रेजिस्टेंट होती है, इनमें ना इंसेक्ट्स का अटैक होता है, ना स्पाइडर मैट्स का अटैक होता है, ना मिली बग्स का अटैक होता है। तो ये नॉर्मली डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट है क्योंकि ये सकलेंट है, तो इसमें जो होता है पॉटिंग मिक्स, आपको अगर आप गुड क्वालिटी की पॉटिंग मिक्स देंगे और अच्छी लाइट देंगे तो नॉर्मली ये डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने एलोवेरा के केयर और प्रोपिगेशन के बारे में। तो अगर हम इसके बात करें तो इसके जो होते हैं चार मेन पॉइंट्स होते हैं, पहला होता है हमारा सॉइल, सेकंड होता है हमारा लाइट कंडीशन, इसका वाटर कंडीशन या फिर, और फोर्थ जो होता है हमारा फर्टिलाइज़र होता है। तो अगर हम सॉइल की बात करें तो ये क्योंकि सकलेंट है तो अगर आप इसको वेल ड्रेन्ड सैंडी पॉटिंग मिक्स देंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप इसको सकलेंट मिक्स भी दे सकते हैं या फिर गुड क्वालिटी का पॉटिंग मिक्स दे सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड हो तो बहुत अच्छा है। लाइट कंडीशन, इसको ब्राइट लाइट और सनी कंडीशन पसंद है, और मगर ज़्यादा अगर आप गर्मी और धूप में इसे भी रख देंगे तो ये जल भी जाता है, उस समय आपको थोड़ा सा इसको छांव भी दे देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम इसको वाटर की बात करें तो नॉर्मली फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसकी वाटरिंग आपको तभी करनी है जबकि ये पूरी अच्छे तरह से वेल ड्रेन्ड हो जाए, इसकी जो अपर लेयर वो पूरी तरह से सूख जाए। वाटरिंग चेक करने का सबसे अच्छा है कि आप 2 इंच अपने उंगली घुसा के देखिए, अगर पूरा वाटर जो आपका सूख गया है तब ही जाके आप इसको वाटरिंग करें। अगर हम फर्टिलाइज़र का बात करें तो क्योंकि सकलेंट प्लांट है और सकलेंट को ज़्यादा हम जानते हैं कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद नहीं है, अगर आप इसको अच्छी पॉटिंग मिक्स ही देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ये पौधा चलता है। अगर हमको तब भी फर्टिलाइज़र देना है तो इसमें अगर आप नॉर्मल जो होता है आप ओनियन पील या फिर बनाना फर्टिलाइज़र अगर मैं ऑर्गेनिक में बात करूँ तो अच्छा है, नहीं तो सीवीड फर्टिलाइज़र भी आप बना के इसको दे सकते हैं।
प्रोपिगेशन करें तो प्रोपिगेशन के लिए ये जो होता है मदर प्लांट जो होता है अपने ज़मीन से खुद ही आपके बेबी पप्स निकालती है, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ ये छोटे छोटे आपको पप्स निकल जाएंगे। विंटर्स में ये डोरमेंसी पीरियड में चल जाते हैं, मगर जैसे ही समर आता है तो आप अगर आप देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे पप्स हैं, तो इन पप्स को आपको मदर प्लांट से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये पप्स जितने बड़े होते जाते हैं तो बहुत क्राउडेड होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा पप्स निकालते हैं समर्स में, ये क्राउडेड होने लगता है। तो इसको ज़्यादा क्राउडेड ना करके इसको हमको डिवाइड कर देना चाहिए छोटे छोटे पप्स को, जिससे कि इस जो हमारे मदर प्लांट को रूम मिलेगा और फर्दर ग्रोथ के लिए, और कोई भी पेस्ट इंसेक्ट से आप ज़्यादा ना नहीं लगेगा आपके पौधों को, तो हमको अलग कर देना चाहिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं कि ये छोटा छोटा पौधा है, इसको मैंने अब अलग कर दिया है। तो जैसे ही ये पौधे इतने छोटे में आप नाथ निकालिए, जितने अब जब बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाएंगे, तब आपको एक अलग गमला में पॉटिंग मिक्स में शिफ्ट कर देना चाहिए। आपने एलोवेरा लगाया है तो इसको बस इंडोर प्लांट या फिर एयर प्योरीफायर की तरह ना यूज़ करके इसको थोड़ा कॉस्मेटिक भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए हम आज बनाना सीखते हैं इसका बहुत ही अच्छा रेसिपी, जो कि समर्स के लिए बहुत अच्छा, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए हम एक छोटा सा यहाँ से ले लेते हैं कटिंग, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसका आइस क्यूब बनाती हूँ, जिसको कि आप इंस्टेंट कभी भी सोते समय, जागते समय, दोपहर में जब भी आपको गर्मी लगे तो यूज़ कर लिया जाए। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो येल्लो येल्लो जो निकलता है जेल, इसको कभी भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको आपको थोड़ा देर के लिए रख देना चाहिए, ताकि ये जो येल्लो येल्लो आपको दिख रहा है जेल, ये आपका बहुत अच्छे से पूरा वॉश ऑफ हो जाए, और साथ में इसका साइड्स में ये जो टिथ है इसको रिमूव कर देना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको आइस क्यूब बना के दिखाती हूँ।